यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं, हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेषाम अविरोध चलता। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये सब। मोहन भगवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र जंगे आजादी में जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया उनके ख्वाबों को चुकना चूर करने का नाम है। हिंदू राष्ट्र इसके खिलाफ अंबेडकर थे, अंबेडकर की तकरीर उनके जुमले सामने है। और आप पूछेंगे कि भाई साहब ये आप ही क्यों बोलते मोहन भगवत के बारे में, तो आप पूछो ना उन लोगों से जिनको तुमने वोट दिया था। ओवैसी तो बी टीम है ना, तो ममता बनर्जी, हम बंगाल में गए थे तो बी टीम हो गए, अब ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ओवैसी बुरा है। वाह, मनम मनम वकटी हो गए, समझे आप। हाँ, बी टीम कौन है, ये तो पूरी टीम हो गई। बहन ममता बनर्जी ने, मोदी अच्छे हैं उनकी पार्टी खराब है, आरएसएस देशभक्त है। वाह, ममता बनर्जी ने तारीफ की और फिर हमको गाली देते हैं।